आज हिंदी विषय में कक्षा नवमी का पद्य खंड का पाठ एक कबीर, कबीर के जीवन परिचय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं कि अनेक प्रकार की बातें कबीर के जन्म के संबंध में की जाती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में कबीर का जन्म हुआ था। अनेक प्रकार की बातें हैं, उन बातों में से मुख्य बात यह है कि सन 1398 में काशी में कबीर का जन्म हुआ था, और यह भी माना जाता है कि सन 1518 के आसपास, पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान में कबीर का देहांत हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी सन 1518 के आसपास। कबीर जो हैं भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में दो प्रकार की शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण, और निर्गुण संत परंपरा जो है इसके प्रमुख कवियों में कबीर माने जाते हैं। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, कबीर ग्रंथावली नाम से हैं, उसमें कबीर की रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कबीर ने जो उपदेश दिए उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में भी संग्रहित किया है, और ये जो बीजक ग्रंथ है यही इनकी सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है। अभी हमने कबीर का परिचय पढ़ा, आगे हम कबीर के शब्द साक्षी आदि पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें शब्दार्थों का ज्ञान होना चाहिए। कुछ शब्दार्थ यहाँ लिखे जा रहे हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ें। सुभर, अच्छी तरह भरा हुआ, सुभर शब्द है उसका अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। दूसरा शब्दार्थ है केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। मुक्ताफल, मोती। स्वान, कुत्ता। झक मारना, वक्त बर्बाद करना। पखा पखी, पक्ष विपक्ष। सुजान, चतुर या ज्ञानी। निकटी, निकट या नज़दीक। मोट, मोटा आटा। सूरा, शराब। थुनी, स्तंभ या टेक। बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, उसको बलिंडा बोलते हैं।